आज की कथा बड़ी सुलभ है और ये कथा हम आपको सुनाई देते हैं। तो राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि तुम्हारे में दुई गुण हैं, और एक बात सुन लो, लोग कहते हैं कि इस समय कलयुग चल रहा, ना इस समय सतयुग चल रहा, ना इस समय त्रेता चल रहा, ना इस समय द्वापर चल रहा, ना कलयुग चल रहा, ना कभू सतयुग है ना भैया कभू त्रेता है ना द्वापर है और ना कभू कलयुग है। चार युग हमारे आपके शरीर के ऊपर चला कर बराबर युगव चारे हैं और वर्णव चारे हैं। इतिहास में वर्ण कहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चार की गिनती बहुत महत्वपूर्ण है। चार की गिनती बहुत महत्वपूर्ण है। एक वो आदमी खाना खाए, एक उदाहरण बता दे आएगा ध्यान में, एक वो आदमी खाना खाए तो वो एक ही औरत रहा है लड़ाका, तो आदमी पढ़ा लिखा रहा है वो नौकर रहा हो, पढ़े लिखे आदमी का आदमी गुस्सा ना आवत, खूब ध्यान दे लियो यो। कोई कोई आदमी है चाहे जो हम तुम कहा करो उनके बयार बहा करते, तो आदमी खाना खाए तो पतरिस कहा लाग देवी दाल लाओ, तक चटनी मांगिस, तक सलाद मांगिस और तक सकपहिता मांगिस और तक अल्लाह बल्ला और मांगे लाग, तो पत्नी गुस्सा ने कहा भाई जानवर कहीं के इडियट जानवर। जब कहा लाग जानवर तो आदमी कहीं कुछ नहीं खाना खा लीस और हंसत हंसत कपड़ा पहन लीस और कहा लाग जानवर जानवर आता कहीं से नहीं, अब ऊ चला गवा हो ड्यूटी पर का, अब इनके पेट में रोटी नहीं घुसे कि जानवर कहें तब हो गुस्सा नहीं, आखिर बात का है तो सारा दिन रोटी नहीं खाई नहीं दरवाजा कर पल्ला खावा की नहीं, सारा दिन दरवाजा कर पल्ला खावा की नहीं, और जब ड्यूटी पर से आए तो ये पहले है मोहर है मिल गए। अब कहा लगी के यू बताओ मास्टर बाबू, कहा लगी यो बता, आज कल यह बहुत रीत चली है जवान लाग याद भैया, गलती हो तो माफ करना, अच्छा लागे तो याद करना। कहा लगी यू बताओ तुम का हम सवेरे जानवर कहन तो तुमका तो हमारे थप्पड़ मारे चेहरा है, तो आदमी कहा लग थप्पड़ का है मारे, कहा लगी हमका बताओ आज हम रोटी नहीं खाए, हमका यू बताओ तुमका हम जानवर कहन तब वो तुम गुस्सा नहीं खावा, तब वो कहा लाग आज ही तो हम जान पाए कि हम तुम दोनों जने एक हन, जब तुम हमका जानवर कहो तब हम जान पाए कि एक हन, हम जानते रहे हम तुम दो जने अलग अलग हन, आज जान पाए। तो पत्नी बोली काहे यू काहे, तो कहा लाग सुन लो जेले आदमी के ब्याह न हो, जेले आदमी की शादी न हो तो आदमी के पैर कै होते हैं भैया दुई, खूब ध्यान सुन ले हो, का जेले आदमी की शादी न हो तो ले उसके पैर होते हैं दुई, और जब शादी हो जाए तो दुई पैर हो गए आदमी के, दुई हो गए पत्नी के, तो टांगे कै हो गई हाँ, अच्छा चार टांगे की के होती हैं गैया बैल भैंसी हाँ, गलत बताएं, और चाहे चाहे इतना न समझो तो तुमका और समझा दी, तो आदमी इस कहा लगी या बात नहीं समझ और बताओ, तो आदमी बोला अच्छा तुम या बात जवाब दो यार दोस्त, कहा लग जवाब बताओ, तो आदमेवा कहे लग यू बताओ तुम हमारी जान हाओ कि नहीं हाओ, आदमी बोला कि तुम हमारी जान हाओ कि नहीं हाओ, तो ये कहा लगी जान आबे करन आबे करन जान तो आबे करन, और बिहाव तुम्हारे संग भाई बे किन्ना है और कहा पंडितों संग भरा है जान आबे करो, तो कहा लग अच्छा तुम हमारी जान आओ और हम तुम्हार बरान की नान, तो कहा लगी बराबे करो बराबे करो का सही बोला रहे आबे करो तुम्हें आबे करो वहाँ, तो कहा लग अच्छा आप जान और बरियक्कन कबर दियो का होगा हाँ जान गलत होता है ना जानवर होएगा कि नहीं होएगा, तो आदमी जेले बियाह ना हो तैले तैले रहा आदमी का तैले रहा बगुला तैले रहा बगुला, और जब बियाह होएगा तो पैर होएगा चार तो वो का होएगा जानवर मतलब गैया बैल भैंसी, और जब ये जब लड़का होएगा तो टांगे कई हो गई
द्वितीया छे, तब का होएगा मालूम? तब होएगा मधुमक्खी। ममाख के रे कई टांगे होती हैं? छा कब होगी पकड़ पायो तो गिने हो, पूरा उड़ा नहीं रहे पकड़ नहीं पा रहा कोई जना, या पकड़ के नोच के पखना गिने होती हूँ। जब लड़का हो जाए तो होएगा आदमी मधुमक्खी। मधुमक्खी का काम का है बेकूफी। मधुमक्खी का मतलब का है बेकूफी, का है जौन हम कहा जाए तो बोले रहो भाड़ भाड़, मजा तब है नहीं। जौन हम कहा जाए तो झड़ा झड़ बोले रहो। मधुमक्खी का मतलब का भा बेकूफी। सहत लगावत दुनिया भर का ला कर रस बिचारी, एक छाता तैयार कहीस और कोई देख ले गवाह। अरे तात तो गवाह हो, लावे मांगुरी कचोई। अब अंगूरी कचवावेगा तो तरो भन्नानी कहीं रुको छ रात इन बनी, अब नहीं बनी ना रंजीत रात इन बनी। कहीं अब नहीं बनी कहीं रात इन बनी, तो रात में यहाँ रूस सो लगाए कहीं यहाँ चढ़ गवा वंडा बच्चा मार डारी से। अब जो बरिया रहे, वह जो बरिया रहे करिया करिया जी में सहा तो लाग रहा है, वह बरिया ही लिहिस तूर जंगा सोधा। अब निचोए का यहाँ पाकारी का यही रंजितवा यही पाकारी के पाकारी का यहाँ निचोली ही तवंडा बच्चन क्या सब टट्टी और पट्टी सब साहत हो गए। अपना भन्नाता ही रही एक कोफी है कि नहीं। जब हमारे लड़का हो जाए तो हम आप और मायम फंस जाए कि जल्दी लड़का और बांध बांधी घर बन जाए, तीमा बिहुआ आवे बहुरिया आवे मजा आवे है बाबा कहीं मजा आई। गलत बताए, जब लड़का होएगा तो होएगा मामा आखे, और जब लड़का के शादी होएगा तो बहुरिया आएगा तो कई हो गए चार दूनी कई होएगा ना आठ। आठ टांगे की क्या होती मालूम? हाँ नहीं मालूम? मकरा। मकरा के आठ टांगे होती। अब जब मकरा होएगा तो मकरा के अर का काम है? मकरा के अर का काम है अतनी बारीक चीज में बेचारा उल्टा लटक गवा कि खाना पानी कुछ नहीं हजम होता। तत्ते जने बैठो पाकरी का भाई इमा पंडाल में उल्टा लटकाया जा तो का हजम होई रोटी कचौरी है। मकरा देखे उल्टे बेचारा लटका रहा कि नहीं लटका रहा था, और तनको कोई जानेगा तो मारी खरारा पटत खा ले होएगी। गलत बताए, तो हमारे आपके जिंदगी जतने आगे बढ़ रही है माया विषयों में फंसती जा रही है। इन माया विषयों से निकलने के लिए हम आप कोई ना कोई जतन करें और अपना अच्छा ध्यान दे। घर बनाते हो रुके जुगाड़ बनावत हो, जानवर रुके जुगाड़ बनावत हो, अल्लाह बल्ला रखे जुगाड़ बनावत हो, तो एक जुगाड़ और बनाओ। कौन? एक जुगाड़ और बनाओ कि कम से कम मरे के बाद तो कुछ मिले चाहिए, वही को कुछ आत्मिक शांति होए हैं मेरे भाई। राजा परीक्षित ने कहा ए सतयुग कलयुग त्रेता द्वापर सारी युग हमारे ऊपर चलते बराबर। कहो कितना? अब हम आपको समझा दी फिर हिंदी में। जब हम सत्य के लिए जगह पर बैठो है जहां पर विगत कुंठा ईत वैकुंठा, वैकुंठ के कहूँ ना जगह है और ना वैकुंठ के कहूँ स्थान है, ना वैकुंठ के कोई लोक है। वैकुंठ क्या है? विगत कुंठा ईत वैकुंठा, जहां पर ईर्ष्या दोष न हो, जहां पर लड़ाई झगड़ा न हो, जहां ने घर में प्रेम और मोहब्बत हो, वहां आए बैकुंठ। घर भर बैठो सलाह काम भव जाए बैकुंठ मन, और पता लाग हम कहते हैं बांके बिहारी और वही कहती है पत्ता बहारी, तो बैकुंठ ना आए नरक हुआ है भाई मेरे। तो जहां पर सत्य के बात होते हो, और सत्य क्या है? ईश्वर का नाम। तो जहां पर सत्य की चर्चा हो जाए लो हम सतयुग में बैठन, और जब हम अपने माता और पिता की, जब है होली आ रही, जब हम अपने माता पिता की पैर छुए, और जब हम कोई से आशीर्वाद ले गुरु के पैर छुए पाए जाए, तो समझ लो हम त्रेता महन। और जब हम होली अभन आ रही भारी भारी पिचकारी, और भौजी ने कह छप छप मारे, भौजी का यही लमडा भिजाओ ना, हाँ बताया जीत है ना, नहीं नहीं हरा रंग लगा, हरा रंग कोई कोई हरा रंग लगावत, कोई कोई देखे न है जला मोबाइल अब निकाल लेने जी के जला मोबाइल निकाल ले मारे छाड़ी हैं भैया।
तो जब हम होली खेले और बढ़िया हंस बोले खूब बढ़िया मिले मिलाए